In today's video, we are going to do the exercise of the poem Two Little Hands. So let's move ahead with the first part of the exercise. सबसे पहले देखते हैं कि exercise में क्या दिया हुआ है करने को. So first part of the exercise is saying we have to sing this poem and with this we have to learn about the parts of body. एक पोएम दी हुई है, उसको पढ़ना है और उसके थ्रू हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जानना है. लेट्स सी व्हाट द पोएम इज. हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज, एंड आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, एंड आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज. ओके, सो यू कैन ऑल्सो सिंग दिस पोएम again and again in order to learn all the parts of body. Now let's see the next part of the exercise. So in the next part it is saying that let us speak. You have to speak a line after your teacher. Teacher jo bolengi uske baad sentence ko complete karna hai apne shabdon mein. So let's see. So teacher is saying I clap with my hands. Main apne haathon ka use karke clap karti hu, taaliyan bajati hu. So pehle bacche ne kitne teacher ki tarah अपने सेंटेंस को पूरा किया और कहा आई टैप विद माई फीट. एक और बच्चे ने बोला आई लुक विद माई आईज, अपने आंखों से ये देखती है. देन द नेक्स्ट वन सेइंग आई वॉक विद माई लेग्स, मैं अपने पैरों का यूज करके चलती. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. इन नेक्स्ट पार्ट इट इज सेइंग टॉक इन पेयर्स, हमें पेयर्स बनाने हैं बच्चों के और वो आपस में बातचीत करके और फिर बॉडी पार्ट्स को लर्न करने की कैसे कोशिश करते हैं वह हमें देखना है. सो हियर वी आर हैविंग नितिन ऑन वन हैंड एंड नेहा ऑन अदर हैंड. नाउ लेट्स सी कि नितिन और नेहा कैसे बॉडी पार्ट्स को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन द नितिन इज आस्किंग टू नेहा, पूछा व्हाट इज दिस आफ्टर पॉइंटिंग हिज फिंगर टुवर्ड्स हिज नोज. नितिन ने अपने फेस की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा व्हाट इज दिस. तो नेहा ने कहा दिस इज माय नोज, दिस इज माय नोज. तो ये देन नेहा ने पूछा व्हाट आर दीस, ये क्या है. तो नितिन ने कहा दीज आर माय शोल्डर्स, ओके दीज आर माय शोल्डर्स. देन अगेन नितिन ने पूछा व्हाट इज दिस, नेहा ने कहा दिस इज माय माउथ, दिस इज माय माउथ. फिर नेहा ने पूछा व्हाट आर दीज, तो नितिन ने कहा दीज आर माय इयर्स, ये मेरे कान हैं, ये मेरे कान हैं, इनसे मैं सुनता हूँ. देन नेहा आस्क्ड व्हाट आर दीज, तो नितिन ने कहा दीज आर माय हैंड्स, नितिन ने कहा दीज आर माय हैंड्स. ओके, देन नितिन अगेन आस्क्ड व्हाट आर दीज, तो नेहा ने कहा दीज आर माय लेग्स. So in this way, Nitin and Neha discussed about various parts of the body. So in this way, you can also play such games with your friends. Okay, in order to learn different parts of the body, आप अपने friends के साथ भी ये game खेल सकते हैं. Now let's see the next part of the exercise. So next part is match the parts of the body with their picture. So, हम यहाँ पर दोनों तरफ पार्ट्स ऑफ बॉडीज के पिक्चर्स देख पा रहे हैं और बीच में उनके नाम लिखे हुए हैं. तो हमें नाम को रीड भी करना है और पार्ट्स ऑफ बॉडी की करेक्ट पिक्चर के साथ उसको मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट इज हेड. लेट्स सी वेयर वी कैन फाइंड द हेड. यस, इट इज हियर. सो वी विल मैच हेड विद द पिक्चर ऑफ हेड. सेम वी विल डू विद अदर वर्ड्स लाइक नोज. हियर इज नोज, सो वी विल मैच the nose with the picture of nose. Then eye, you can see eye here, so yes, match the eye with eye. Then ear, match the ear with the picture of ears which we see here. Then cheek, cheek means gaal. Kahan dikh rahe hain aapko? Yes, here, so it's matched. And hand, haath ki photo kahan dikh rahi hai aapko? Yes, we can see it here, so isse match karenge. Then tongue. Okay, so tongue कहाँ है? Yes, it's pink, right? Here we can match the tongue with the picture of tongue. अगला है arm. Arm कहाँ है? बाजुए कहाँ है? Yes, here it is. So इसके साथ हम arm को match करेंगे. Next है mouth. Mouth कहाँ है? ये रहा. So we'll match the mouth with the
पिक्चर ऑफ माउथ. देन फुट, पैर कहाँ दिख रहे हैं आपको? यस, सो वी विल मैच फुट पिक्चर विद द वर्ड फुट. एंड एट लास्ट वी हैव लेग. तो लेग को लेग के पिक्चर से मैच करें. तो इस तरीके से हमने मैच द पार्ट्स ऑफ बॉडी विद देयर पिक्चर्स ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. इन दिस पार्ट इट इज सेइंग दैट लुक एट द पिक्चर्स. हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एंड वी हैव टू रीड द वर्ड्स देन रीड द सेंटेंसेस. उस पिक्चर से रिलेटेड जो वर्ड दिया हुआ है और सेंटेंस दिया हुआ है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है. तो पहली पिक्चर है आइज. पहली पिक्चर किस चीज की है? आइज. इससे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको रीड करेंगे. आई सी विद माई आईज. मैं अपनी आंखों से देखता हूँ या देखती हूँ. फिर नेक्स्ट पिक्चर है ईयर. ईयर्स. ओके, मेरे साथ साथ आप लोग ईयर्स को दो बार तीन बार बोलिए. ओके, ईयर्स. अब ईयर से क्या करते हैं? आई हियर विद माई ईयर्स. मैं अपने कानों को यूज करके सुनता हूँ. नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ नोज. सो आई स्मेल विद माई नोज. मैं अपने नोज से स्मेल करता हूँ या करती हूँ. नेक्स्ट इज माउथ. आई ईट विद माई माउथ. मैं अपने मुंह से खाना खाता हूँ या खाती हूँ. देन एट लास्ट वी हैव स्किन. स्किन इज द अपर लेयर ऑफ आर बॉडी, राइट? सबसे ऊपर जो आपको त्वचा दिखती है उसी को स्किन कहते हैं. सो आई फील विद माई स्किन. हम अपने स्किन से सब कुछ फील करते हैं. अगर कुछ गर्म हो तो हमें फील होता है ना कि ये गर्म है. कुछ ठंडा हो तो फील होता है, राइट? तो स्किन से हम फील करते हैं. तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस रीड कर लिए हैं. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो. इस बॉक्स में बीच में आपको अपना हाथ रखना है. एक हाथ का पाम रखना है और दूसरे हाथ से उसकी आउटलाइन करनी है. ओके, और उसके बाद उसको हमें डेकोरेट करना है. उसमें कलर कर सकते हैं. ओके, कलर्ड पेपर बिट्स, बिंदीज और एनीथिंग एल्स. आप किसी भी चीज से उस पाम को सजा सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी विल ड्रॉ द पाम. सो इस तरीके से आप अपना पाम रखेंगे और पेंसिल चलाने की कोशिश करें. हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है अपनी ड्रॉइंग को. जैसा भी बनेगा वो बेस्ट है. Okay, now after drawing such a beautiful palm, now let's move ahead with the next part of the exercise. Agla part kya hai? Let us do together. Okay, agla part hai hamari daily routine ka ek bahut important function hum discuss karne ja rahe hain. And that is washing hands. How we should wash our hands in a proper way, we are going to learn in this part of the exercise. सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए? ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स. हमें नल खोल के या मग में पानी लेके किसी भी तरीके से पहले पानी से अपने हाथ को धोना चाहिए. देन नेक्स्ट रब सोप ऑन योर हैंड्स. उसके बाद हमें साबुन अच्छे से अपने हाथ पे रगड़ना चाहिए और साबुन से हाथ धोना चाहिए. Then in the third stage, what we have to do? Wash between the fingers. हमें अपने उंगलियों के बीच में ऐसे रगड़ रगड़ के अपने हाथ को धोना चाहिए. And at the last part of this process, we have to rinse our hands again. हमें पानी से फिर से अपने हाथों को अच्छे से साफ करके धो लेना चाहिए. तो इसमें चार प्रोसेस देखे हमने. आप जब भी घर पर हाथ धोएंगे इन चारों प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे. Now let's move ahead with the next part of the exercise. That is, let us sing. हमें इस poem को गाना है और इस poem का नाम क्या है? Alphabet song. Okay, alphabet song है. हमें गाना है और इसको बार बार आप practice करेंगे घर पे ताकि आपको सारे alphabets अच्छे से याद हो जाए. Okay, so let's sing this poem. A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z X Y Z Sugar on the bread X Y Z Sugar on the bread. Next day morning come to me. We will learn the ABC. Happy, happy we shall be when we know the ABC. Happy, happy we shall be when we know the ABC. So in this way, we will sing this alphabet song again and again. Okay, इस तरीके से आप बार बार गाने में इसको कोशिश करिएगा.
Now with this beautiful poem, now let's move ahead with the next part of the exercise. So in the next part, it is saying that let us write. हमें यहाँ पर letters लिखने हैं. तो एक एक करके हम सभी letters को लिखेंगे. तो सबसे पहले हम कैपिटल ए देखेंगे. आपको एरोज को फॉलो करना है और लाइंस को भी ध्यान में देना है. हम टॉप लाइन से लेके थर्ड लाइन तक लिख रहे हैं, राइट? तो आपको ध्यान देना है कि हैंड मूवमेंट कैसे है और हम किस तरीके से पेन को मार रहे हैं. ऐसे ही आपको बार बार अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करनी है. तो हमने कैपिटल ए देखा, अब हम स्मॉलर ए देखते हैं कि स्मॉल ए कैसे लिखते हैं. ओके, तो ये आप देखेंगे, इसकी मूवमेंट देखिए आप हैंड की, कैसे ये कर्व हो रहा है. फिर हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद नीचे. तो ऐसे करके हम स्मॉल ए फॉर्म करेंगे. ये मैंने आपको एक एक बार बताया है, आपको नोटबुक में इसको बार बार प्रैक्टिस करना है. फिर है कैपिटल बी. तो यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द बी, कैसे लिखेंगे हम. एरोज को फॉलो करना है, जिधर जिधर एरो जा रहे हैं, जिधर जिधर हैंड मूव कर रहा है, उस तरीके से हमको नोटबुक में लिखना है. ओके, देन लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्मॉलर बी. छोटा बी कैसे लिखते हैं ये देखेंगे. तो देखते हैं, ऐसे हैंड को मूव करते हुए हैंड के मूवमेंट को देखना है. एंड वी आर डन. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द कैपिटल सी. So we will write capital C like this and then the smaller C. Okay? Yes. So in this way we will write capital C and smaller C. Then capital D. So we will write capital D like this. Follow the arrow, follow the hand movement and practice it again and again in your notebook. Okay? So in this way we will write the D and then smaller D. Chote D ko kaise likhenge? Let's see, पहले हम सी जैसा बनाएंगे. देख रहे हो आप हैंड मूवमेंट, ऐसे हैंड की मूवमेंट को देखते हुए आप नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे. सो वी आर डन विद ए बी सी एंड डी. नाउ लेट्स सी द ई. सो कैपिटल ई हम ऐसे लिखेंगे, इट इज वेरी सिंपल. लेकिन आपको ध्यान रखना है किस लाइन से किस लाइन तक हम बना रहे हैं और एरो का मूवमेंट क्या है, राइट? अब हम स्मॉलर ई देख लेते हैं. तो हम स्मॉलर ई ऐसे लिखेंगे. Now the capital F, इसकी movements, किस लाइन से किस लाइन तक बना रहे हैं ध्यान से देखिए और ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है. एंड देन द स्मॉलर F. ओके, सो स्मॉलर F आप ऐसे लिखेंगे. ओके, इसको हमें बार बार पढ़ना भी है और लिखने की भी कोशिश करनी है, राइट? A, B, C, D, E and F. So with this, we have completed this part of the exercise. Now let's move ahead. Agla jo part hai exercise ka, wo hai, let us sing. Here what we have to do, sing the alphabet phonics song for these letters before you start reading the words. Hame sabhi alphabets ke sound ko read karna hai, ki hum bolte hai to uski awaaz kaisi aati hai. Theek hai? To ek ek karke hum A se Z tak puri alphabets ke sounds ko dekhenge. Okay, so let's start with A. A is for ant, ant. A is for ant, ant. B is for bag, bag. B is for bag, bag. C is for cat, cat. C is for cat, cat. D is for dog, dog. D is for dog, dog. E is for egg, egg. F is for fish, fish. F is for fish, fish. G is for goat, goat. H is for hut, hut. I is for ice cube, ice cube. J is for jug, jug. J is for jug, jug. K is for kite, kite. L is for line, line. L is for line, line. M is for mango, mango. M is for mango, mango. N is for nose, nose. O is for orange, orange. B is for parrot,
bear. P is for bear. B, b, bear. Q is for quilt. Q, q, quilt. R is for rat. R, r, rat. R is for rat. R, r, rat. S is for sun. S, s, sun. T is for table. T, t, table. T is for table. T, t, table. U is for umbrella. A, a, umbrella. V is for van. V, v, van. V is for van. V, v, van. W is for well. W, w, well. X is for x-ray. X, x, x-ray. X is for x-ray. X, x, x-ray. Y is for yarn. Y, y, yarn. Y is for yarn. Y, y, yarn. Z is for zebra. Z, z, zebra. Z is for zebra. Z, z, zebra. So we have done with alphabet phonic sound. Sing it again and again so that you are going to learn all these alphabetical phonic sound. Now let's move to the next part of the exercise. So the next part is let us speak again. Here we are going to learn about different letter sounds. Letters ki kya sound hoti hai, kaise bolte hain, wo hum seekhenge. Okay, so dekhte hain. Sabse pehle hai A. कैसे बोलते हैं उस पे हमें ध्यान देना है. फोनिक साउंड, सबसे पहले क्या साउंड आ रहा है उसको ध्यान देना है. A for X. X. A आ रहा है X. सेकंड ant. Ant. थर्ड arm. 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 ओके, नाउ B से bag. Bag. B. B. Boy, boy. C for cart, cart. Cap, cap. Cat, cat. आपको C को हम कैसे कैसे बोलते हैं उस साउंड पे ध्यान देना है. C से cat. Okay. Similarly, D for den. D for den. D for door. D for door. D for dog. D for dog. Then E. E for egg. E for egg. E for ear. E for ear. Then E for elephant. E for elephant. Okay, so in this way we have learned about different letter sound. हमने A, B, C, D, E का sound देखा. Okay, practice it again and again. Now let's move to the last part of the exercise. यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी. नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड इन ईच रो, फाइंड द ऑड वन आउट. हमें सभी रो में जो पहला लेटर दिया हुआ है वर्ड्स का उनको ध्यान से पढ़ना है, जिनका साउंड ऑड है, ऑड मींस जो मैच नहीं हो रहा है, वहां हमें बताना है कि ये जो है ये ऑड वन है, मतलब कि इनसे नहीं मिल रहा है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रो. बैग. It is starting with B. Okay, B. B for bag. Then C for cap. And then B for balloon. You can see B, B. The sound is matching. Bag and balloon sound is matching. But cap is different. Okay, so we will circle the cap. Because ye jo hai odd one hai. Ye match nahi ho raha hai. Now let's see the next one. A for apple. A for ant. And C for clock. So you can simply find out A for apple and A for ant, but C for clock. So clock is the odd one. Okay, now let's see the next part. So E for egg, D for dog, and D for drum. So initial letters of dog and drum are same, but egg is different. So egg is the odd one. Okay, so with this students, we have completed entire exercise of this poem, Two Little Hands. Okay, on that note, thanks for watching. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.